डियर स्टूडेंट आरसीई एजुहब बांसुर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन का जो चैप्टर चल रहा था एल्कोहल फिनोल ईथर, उसमें आपने पढ़ लिया था एल्कोहल निर्माण की विधियां और एल्कोहलों की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, भौतिक गुणधर्म। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे एल्कोहलों के रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एल्कोहल जो होते हैं किस प्रकार की अभिक्रियाएं संपन्न करते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया कि जो रासायनिक गुणधर्म के आधार पर एल्कोहलों की बात की जाए तो रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एल्कोहल जो होते हैं वो चार प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं शो करते हैं। कितने प्रकार की अभिक्रियाएं शो करते हैं? चार। कौन कौन सी अभिक्रियाएं शो करते हैं? पहली बात करेंगे OH बॉन्ड विदलन की अभिक्रिया। टू नंबर पे बात करेंगे CO बंध विदलन की अभिक्रिया। नंबर थर्ड पे बात करेंगे एल्किल एवं हाइड्रोक्सी समूह की सम्मिलित अभिक्रिया। और चौथे पॉइंट पे बात करेंगे ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर यानी कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण होने वाली अभिक्रिया। तो देखें यहां से रासायनिक गुणधर्म कितने प्रकार की रिएक्शन शो करते हैं? केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे चार प्रकार की अभिक्रिया। अब उन चार प्रकार की अभिक्रियाओं में कौन कौन सी पढ़ेंगे? वन नंबर पे OH बंध विदलन के कारण होने वाली अभिक्रिया। नंबर टू पे बात करेंगे CO बंध विदलन के कारण होने वाली अभिक्रिया। नंबर थर्ड पे बात करेंगे एल्किल एवं हाइड्रोक्सी समूह के कारण होने वाली अभिक्रिया। एल्किल एवं हाइड्रोक्सी समूह के कारण होने वाली अभिक्रिया। और नंबर चार पे बात करेंगे ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर यानी कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण होने वाली अभिक्रिया। तो डियर स्टूडेंट यहां पे केमिकल प्रॉपर्टी में क्या बताया कि रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर जो एल्कोहल है वो चार प्रकार के अभिक्रिया संपन्न करते हैं, जिसमें पहली कौन सी पढ़ रहे हैं? OH बंध विदलन के कारण होने वाली अभिक्रिया। दूसरी बात करेंगे CO बॉन्ड क्लीवेज की। तीसरी होती है एल्किल हाइड्रोक्सी समूह के कारण होने वाली अभिक्रिया। चौथे पॉइंट में पढ़ते हैं अपन ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित जो लोन पेयर है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उसके कारण होने वाली अभिक्रिया, जिसमें अपन फर्स्ट पॉइंट में बात करेंगे OH बंध विदलन के कारण होने वाली अभिक्रिया, जिसमें फर्स्ट पढ़ रहे हैं अपन OH बंध विदलन के कारण होने वाली अभिक्रिया। OH बंध विदलन के कारण होने वाली अभिक्रिया। OH बंध विदलन के कारण होने वाली जो अभिक्रियाएं होती हैं, यानी OH बॉन्ड का जब आप क्लीवेज कर रहे हैं तो OH बंध विदलन के कारण होने वाली अभिक्रियाओं में एल्कोहलों की जो सुगमता का क्रम होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन रहेगा? 1 डिग्री एल्कोहल, फिर 2 डिग्री एल्कोहल रहेगा और फिर 3 डिग्री एल्कोहल। यानी OH बंध विदलन की सुगमता का जो क्रम होता है वो क्रम क्या होता है यहां से? इसमें OH जो आपका बंध विदलन करेंगे सुगमता का क्रम निम्न होगा। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन रहेगा? 1 डिग्री, फिर कौन रहेगा? 2 डिग्री, और फिर कौन रहेगा? 3 डिग्री एल।
OH बंद विघटन की जो सुगमता का जो क्रम है वो क्या रहेगा, 1 डिग्री सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा, फिर कौन होगा 2 डिग्री, और फिर कौन होगा यहां पे 3 डिग्री L। अब OH बंद विघटन के कारण होने वाली अभिक्रियाओं में फर्स्ट पॉइंट में बात करेंगे सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया। इसमें पहला पॉइंट कौन सा पड़ेगा, अपन सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया। सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जो आपका एल्कोहल है उस एल्कोहल की अभिक्रिया सक्रिय धातुएं, सक्रिय धातु के रूप में आपका सोडियम है, पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है आदि के साथ करवाई जाएगी। तो यहां से मेटेलिक एल्कोक्साइड यानी कि धात्विक एल्कोक्साइड का निर्माण हो जाता है, एवं जो हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकल जाती है। यहां से OH बंद का यहां पे विघटन होता है और हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में निकलता है। इस कारण इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं वो अम्लीय प्रवृत्ति को दर्शाती है। किस प्रकार से एग्जांपल के अंदर एसिडिक नेचर को शो किया जाता है, इसका पहला एग्जांपल यहां पे एल्कोहल है CH3CH2OH, इसके डबल मोल लिए इसकी अभिक्रिया में सक्रिय धातु के रूप में यहाँ पे सोडियम भी हो सकता है या फिर पोटेशियम हो सकता है CH3CH2OH, या एल्यूमिनियम हो सकता है CH3CH3OH। यानी कि इन सक्रिय धातु के साथ अभिक्रिया करवा दीजिए, एल्कोहल है इन एल्कोहलों के अभिक्रिया में किसके साथ करो सक्रिय धातु सोडियम पोटेशियम एल्यूमिनियम, तो यहां से क्या बन जाएगा मेटेलिक एल्कोक्साइड बन जाएगा। कैसे बनेगा देखिए, यहां से OH बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा, यहां से OH बॉन्ड क्लीवेज होगा तो मेटल के दोनों मोल यहां पे बाहर निकल जाएंगे, और जो H हाइड्रोजन है वो कौन से आयन के रूप में, हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकलेगा, प्रोटोनियम आयन के रूप में यानी प्रोटोन के रूप में बाहर निकलेगा। यही कारण है कि ये जो अभिक्रिया है वो अपनी कौन सी प्रवृत्ति को दर्शाती है, अम्लीय प्रवृत्ति को शो करती है। तो देखिए यहां से क्या बन जाएगा 2CH3CH2ONa, और यहां से आउट कौन हो जाएगा हाइड्रोजन। ऐसे यहां से क्या बन जाएगा C दो मोल क्या बन जाएगा यहां पे CH3CH2OK, आउट कौन हो जाएगा यहां से हाइड्रोजन। ऐसे यहां से क्या बन जाएगा CH3 CCH3 CH3, यहां से O यहां पे एल्यूमिनियम, आउट कौन होगा यहां से हाइड्रोजन। तो देखिए यहां 6 मोल लिया था मैंने, 6 मोल को बैलेंस करने के लिए यहां पे मैंने ब्रैकेट के बाहर क्या कर दिया 3 को मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो मोल आ जाएगा कि नहीं 6 मोल ये वाला पोर्शन। अब यहां पे 6 मोल के रूप में यहां पे कौन बाहर निकला है हाइड्रोजन, तो यहां से मैं सामने क्या लिख सकता हूं 3H2। तो यानी कि यहां पे देखो सोडियम पोटेशियम और एल्यूमिनियम तीनों ही क्या होती है यहां पे धातुएं होती है, और ये क्या है आपका ये वाला पोर्शन क्या है एल्किल ग्रुप है, ये भी क्या है आपका एल्किल ग्रुप है, और ये क्या है एल्किल ग्रुप। इस एल्किल ग्रुप पर ऑक्सीजन जुड़ जाए तो इसको बोलते हैं एल्कोक्साइड, यानी एल्किल ग्रुप पर ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा एल्कोक्साइड, और एल्कोक्साइड पर यदि कोई भी धातु जुड़ जाएगी तो उसका नाम क्या हो जाएगा मेटेलिक एल्कोक्साइड यानी कि धात्विक एल्कोक्साइड, तो इसका नाम हो जाएगा आपका धात्विक एल्कोक्साइड। क्या बन जाएगा ये धात्विक एल्कोक्साइड, यानी धात्विक एल्कोक्साइड के रूप में इसका नाम क्या बोल सकता हूं मैं, सोडियम एथोक्साइड है, पोटेशियम एथोक्साइड है, एल्यूमिनियम एथोक्साइड, यानी क्या बन जाएगी धात्विक एल्कोक्साइड, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो ये अभिक्रिया क्या करती है यहां पे एल्कोहलों की अम्लीय प्रवृत्ति को दर्शाती। अब यहां पे क्या होता है कि जो एल्कोहलों की जो अम्लीय प्रवृत्ति है, अब एल्कोहल आपका ये वाला एल्कोहल ROH, इस एल्कोहल की जो अम्लीय प्रवृत्ति है, इस अम्लीय प्रवृत्ति जो है वो इस ऋण विद्युतीय ऑक्सीजन परमाणु के कारण होती है। भाई OH बंद विघटन के कारण होने वाली अभिक्रियाओं में जो अम्लीय प्रवृत्ति है वो किसके कारण होती है, इस ऋण विद्युतीय ऑक्सीजन परमाणु के कारण होती है, जिसके कारण ये ऋण विद्युतीय तत्व परमाणु का ऋण विद्युतीय तत्व के रूप में जो ऑक्सीजन परमाणु है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आकर्षित
आकर्षित करता है। जब अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो इस प्रोटॉन का जो निष्कासन है वो आसानी से हो जाता है, वो प्रोटॉन आसानी से निष्कासित हो जाएगा, तो ये कैसी अभिक्रिया शुरू करने लग जाएगा, अम्लीय प्रवृत्ति की अभिक्रिया शुरू करने लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात क्या होगी कि जो एल्कोहल है उसके एल्कोहलों की जो अम्लीय प्रवृत्ति है उसका मान जल की तुलना में क्या होता है, कम। पेपर में भी यहां से क्वेश्चन बनता है कि जो एल्कोहल होते हैं उस एल्कोहलों की जो अम्लीय प्रवृत्ति है उसका मान जल की तुलना में कम होता है, क्यों? तो यहां से स्पष्ट कारण है कि यहां पे ये आपका एल्कोहल है, यहां से ये क्या है आपका वाटर मॉलिक्यूल है H2। अब इस एल्कोहल की जो अम्लीय प्रवृत्ति है इस वाटर की तुलना में क्या होती है, कम। उसका कारण क्या है कि जो एल्कोहल है उस एल्कोहलों में OH समूह से जो एल्किल समूह जुड़ रहा है, यहां पे इस OH समूह से कौन सा समूह है, एल्किल समूह, और इस एल्किल समूह का क्या काम, कौन सा प्रभाव होता है, प्लस आई प्रभाव। अब ये एल्किल समूह जो है अपना प्लस आई प्रभाव शो करने के कारण ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान क्या करेगा, बढ़ा देगा, क्यों, क्योंकि ये जो एल्किल समूह प्लस आई प्रभाव के कारण जो बंद के जो इलेक्ट्रॉन है इसको किधर शिफ्ट करेगा, धकेल देगा ऑक्सीजन परमाणु की तरफ। अब ऑक्सीजन परमाणु की तरफ धकेलेगा तो ऑक्सीजन पर क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो मान है वो बढ़े जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान बढ़ जाएगा तो अब यहां से जो अब इसकी जो बॉन्ड OH बॉन्ड की जो ध्रुवणता है उसका मान क्या हो जाएगा, कम। जब ध्रुवणता का मान कम हो जाएगा तो यहां से प्रोटॉन का जो निष्कासन है वो आसानी से नहीं हो पाता है, और आसानी से नहीं हो पाएगा तो इसकी जो अम्लीय प्रवृत्ति का मान है इस जल की तुलना में क्या हो जाएगा, कम। तो देखो यहां से तो एल्कोहल की जो अम्लीय प्रवृत्ति का जो मान है वो कितना होता है, 16 से 18, जबकि जो वाटर है इस वाटर की जो अम्लीय प्रवृत्ति का जो मान है वो होता है इसकी तुलना में क्या होता है, कम होता है। अब आपसे नेक्स्ट टॉपिक में बात की जाए कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहलों की अम्लीयता की तुलना की जाए, तो यानी कि सबसे ज्यादा ऊपर मैंने बता दिया OH बॉन्ड क्लीवेज के आधार पे सबसे ज्यादा अम्लीयता कौन शो करेगा, 1 डिग्री एल्कोहल, फिर कौन करेगा 2 डिग्री एल्कोहल, और फिर कौन करेगा 3 डिग्री एल्कोहल। तो यहां से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहलों की अम्लीयता की तुलना की बात की जाए, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहलों की अम्लीयता की बात की जाए, तो देखो यहां से 1 डिग्री इसमें होता क्या है कि जो 1 डिग्री जो आपका एल्कोहल है उसमें OH समूह एक एल्किल समूह से जुड़ा हुआ होगा, 2 डिग्री एल्कोहल में OH समूह जो है वो 2 एल्किल समूह से जुड़ा हुआ होगा, और 3 डिग्री जो एल्कोहल है उसमें OH समूह 3 एल्किल समूह से जुड़ा हुआ होता है। यानी कि इन 3 डिग्री एल्कोहल में सबसे ज्यादा प्लस आई प्रभाव होता है, इलेक्ट्रॉन दाता प्रभाव होता है। जब आपको पता है जब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन दाता प्रभाव होगा जिसका, तो पोलैरिटी का मान क्या हो जाएगा, एल्कोहलों की ध्रुवणता का मान क्या हो जाएगा, कम। और ध्रुवणता जितनी कम होगी OH बॉन्ड से हाइड्रोजन के रूप में जो प्रोटॉन का निष्कासन है वो उतना ही कठिन हो जाएगा, और अम्लीय प्रवृत्ति का मान है वो क्या हो जाएगा, कम। तो समावी एल्कोहलों में अम्लीयता की तुलना की जाए तो देखिए यहां से एग्जांपल के रूप में सबसे ज्यादा कौन होगा, 1 डिग्री, देखो RCH2OH 1 डिग्री एल्कोहल, यानी कि इसका कौन सा प्लस आई प्रभाव कौन से करेगा, 1H2। ऐसे यहां पे 2 डिग्री एल्कोहल में RCHROH ये क्या है आपका 2 डिग्री एल्कोहल, यहां पे कितने एल्किल ग्रुप शो कर रहे हैं यहां 2, और यहां पे 3 डिग्री एल्कोहल में क्या हो जाएगा RCR, ये R और ये OH, यहां से ये शो करेगा यहां से ये शो, ये कैसा एल्कोहल कहलाएगा आपका 3 डिग्री एल्कोहल। तो यानी कि एल्किल समूह का संख्या जितनी ज्यादा होगी प्लस आई प्रभाव का मान बढ़ेगा, ध्रुवणता का मान क्या हो जाएगा, कम। ध्रुवणता का मान कम हो जाएगा तो आपको पता है कि OH बॉन्ड की जो ध्रुवणता कम होगी तो ये H प्रोटॉन के जो निष्कासित हुआ वो कठिन हो जाएगा, और अम्लीयता का मान क्या हो जाएगा, कम। तो अम्लीयता का क्रम क्या हो जाएगा, 1 डिग्री फिर 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो ये है आपका एसिडिक प्रवृत्ति की 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहलों में तुलना। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही काफी है।